अब मैं यूट्यूब में काम नहीं कर सकती, मैं यूट्यूब क्विट कर रही हूँ, सब कुछ बेकार है, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरी किस्मत खराब है, ना मेरा यूट्यूब में कुछ हो सकता है ना ही मेरा कहीं कुछ हो सकता है, और यूट्यूब में तो मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगी। कितने दिन से काम कर रही हूँ यार, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मुझे अब काम नहीं करना है। ऐसे ही डिमोटिवेट होते हैं ना, ऐसे ही सोचते हैं ना कि अब यूट्यूब मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए यूट्यूब का काम, वही वापस से अपनी वही जिंदगी में आ जाइए जो आपको परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। आप हो सकता तन से दुखी हो सकता मन से दुखी हो सकता धन से दुखी हो, यही तीन दुख तो होते हैं इंसान को, तन मन धन। ठीक है, आर्थिक स्थिति परेशान कर देती है, लेकिन पैसा जो होता है ना, काफी हद तक मन के दुख को खत्म कर देता है और काफी हद तक तन के दुख को भी खत्म कर देता है। कोई नहीं, मत करिए, जाइए वही अपना काम करिए, घर पे रहिए, रोज लड़ाई झगड़े दुनिया भर की बातें छोड़ दीजिए, फिर तो आपको कुछ ना कुछ भला हो ही जाएगा। कोई आएगा आपको, रिश्ता आएगा या और कोई आएगा, आपको बैठे बैठे खिलाएगा, बड़ी आयस की जिंदगी जीने को मिलेगी, है ना। आप खुद बताइए, अगर आप काम छोड़ देंगे वही जिंदगी में चले जाएंगे तो फिर आपको कुछ मिलेगा, कुछ हासिल होगा। अगर हम सोचें कि हमें पढ़ना ना पड़े और हम कोई कंपटीशन की तैयारी बिना किए मतलब उसको पास कर लें और कोई बढ़िया से डीएम बन जाए या कोई जॉब हमारी लग जाए, तो क्या यह ऐसा पॉसिबल होता है? अगर हमें कोई पंडित बता दे कि आपकी किस्मत पे राजयोग लिखा है, ठीक, तो क्या हम कर्म नहीं करेंगे कि अरे हमारी किस्मत में तो राजयोग लिखा है, या हमें तो ये डॉक्टर बनना है, अब हमें क्या करना, हमारी तो किस्मत में ही लिख के आया है। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तो जब किस्मत में लिखा है हम बन ही जाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग यही सोचते हैं कि हमारी किस्मत में है ही नहीं, हम यूट्यूब में सक्सेस हो ही नहीं सकते हो, तो ये चीज आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यूट्यूब मुझे छोड़ना है, मेरा यूट्यूब में कुछ नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर इंसान कुछ भी सोच ले तो इम्पॉसिबल, सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं है। ये इम्पॉसिबल कब तक लगता है? जब तक हम सफल नहीं होते हैं, जब तक हम संघर्ष कर रहे होते हैं, तब तक हमें लगता है कि ये काम इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। और सबसे बड़ी चीज हम सोचते हैं अपनी किस्मत, किस्मत को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। कब तक खराब रहेगी किस्मत? किस्मत को भी बदलो, आप खुद बदल सकते हो किस्मत को, बिना करे आप सोचे बदले तो वो नहीं बदलने वाली है। कोई भगवान आके सीधे आपको नहीं खिलाने वाले, आपको खुद ही अपनी किस्मत चेंज करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब में ना काम करने से बेटर है आप काम करिए, जितना हो सके करिए, ये मत सोचिए कि अब मैं हार मान लूं। हाँ, अब आप कहेंगे कि रक्षा आप तो सफल हो चुके हो, तो दुनिया भर के लेक्चर दे रहे हो, दुनिया भर की बातें कर रहे हो, उनसे पूछो जो लोग सफल नहीं हुए हैं। बिल्कुल आप कहेंगे, और मैं आपकी बात से एग्री हूँ, आपकी जगह शायद मैं होती तो मैं भी ऐसे ही बोलती, लेकिन मैं भी तो आप ही की स्टेट से होकर के यहाँ पर पहुंची हूँ। जिस परेशानी में आज आप हैं, उसी से, उससे इनफैक्ट ज्यादा परेशानियां मैंने उठाई हैं। मैं भी अगर ऐसे ही सोच लेती, मैं भी हार मान जाती, डीमोटिवेट हो जाती, तो क्या मैं इस मुकाम पे पहुंचती? मैं ऐसे ही आपसे बोलती हूँ, पीछे मत हटिए, काम करिए। अब अगर आपको बहुत टाइम हो गया है यूट्यूब पर काम करते करते, तो अपनी कमियों को समझिए, आपकी कमी कहाँ है। आप ये समझने की कोशिश करिए कि यूट्यूब में हम ऐसा क्या करें कि हम सक्सेस हो। तरीके को बदलिए अपने काम करने के, आप जिस कंटेंट पर सालों से वीडियो डाल रहे हैं उसको चेंज करिए, कुछ दूसरा डालिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए। मैं इतने टिप्स देती हूँ आपको, मैंने एक दिन ये भी बताया था कि आप प्रेगनेंसी की चैनल बना लो, उसमें इस तरीके की वीडियो डालो। मैं कितना बीच बीच में, अगर आप रेगुलर मुझसे जुड़े होंगे तो आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा और बहुत लोगों को सक्सेस मिल भी रही है। ठीक, तो आप चेंज करिए अपनी पॉलिसी को, काम करने के तरीके को चेंज करिए, लेकिन हार मत मानिए। किसी चीज में हार मान लेना आपका सॉल्यूशन नहीं है, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म हो। बिल्कुल सोच लीजिए, ठान लीजिए कि हमें बहुत मेहनत करनी है यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत समय लगता है, यहाँ पर इतना कंपटीशन है, इतने लोग आ चुके हैं, आजकल सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, हर कोई ऑनलाइन जानने लगा है, सोशल मीडिया से जुड़ चुका है, तो हर कोई चाहता है कि घर बैठे हम भी पैसे कमाएं। तो जितने यहाँ पर देखने वाले लोग हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम करने वाले हैं, उन्होंने भी यूट्यूब पर चैनल बनाई है। अब सोचिए आप, कितना बड़ा कंपटीशन है यूट्यूब पर, तो आपको इतनी जल्दी सक्सेस कैसे मिलेगी? जितना कंपटीशन उतना ही आपको वर्क करना पड़ेगा। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अगर आपको यूट्यूब पे आना है तो पेशेंस के साथ आना चाहिए।
पहली बात तो शुरू से ही सोच के आई है कि मुझे यहाँ पर 6 महीने भी लग सकता है, साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। और जिन लोगों को लग चुके हैं 2-2, 3-3 साल यूट्यूब तब भी सक्सेस नहीं दे रहा है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। कुछ कंटेंट ही चेंज कर दीजिए, आप अपना दूसरा कंटेंट कर लीजिए, या आप साइड में एक और चैनल बना लीजिए, ठीक है, उसमें आप कुछ अलग टाइप का करने की कोशिश कीजिए। अलग क्या होता है, आप देखिए कि जो चैनल्स के बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, जो हटके होती हैं, वो क्या करते हैं, तो समझना होगा उस चीज को आपको। ये चीजें मैं आपके दिमाग में केवल आइडिया दे सकती हूँ, इनको आपको खुद ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लोग अभी कम समय हुआ है, 6 महीने साल भर ही हुए हैं, तो उनसे भी कहना चाहूंगी कि आप लोग मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। पता नहीं कौन सा वीडियो, कौन सा पल, कोई भी एक समय, एक मिनट आपका किस्मत चेंज कर सकता है। पता नहीं कौन सा वीडियो कब वायरल हो जाए और आपकी जिंदगी बदल दे। तो बिना करे कुछ नहीं मिलता लाइफ में। आप लेडीज होकर के अगर डिमोटिवेट होती हैं तो भी मैं कहूंगी, और जो लोग जेंट्स होकर के भी डिमोटिवेट हो जाते हैं उनको भी कहूंगी, क्या करें, हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास वो चीज नहीं है, ये रोना मत रोइए। जो है, जैसा है, उससे शुरुआत करिए। जैसा ये मत सोचिए कि मेरे वीडियोज में कोई कमी है, कमी मतलब निकालिए, लेकिन कंपेयर करके कमी को मत निकालिए कि उसकी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अरे हम नया कैमरा खरीद लें, हम नया मोबाइल ले लें, हमारे पास मोबाइल अच्छा नहीं है, हमारे पास किचन अच्छी नहीं है, हमारे पास सेटअप नहीं है, इन चीजों में कंपेयर मत करिए। किसी से कंपेयर करना है तो उसके टॉपिक पे करिए कि शायद मैं टॉपिक गलत लिए हूँ, इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं इस टॉपिक पे, तो मुझे भी इस टाइप के टॉपिक चूज करना चाहिए। या थंबनेल पे नजर डालिए, या टाइटल पे नजर डालिए, इन चीजों से कंपेयर करिए अपने आप को, ठीक है। इस तरीके से आप YouTube पर काम करिए, पर डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। YouTube को छोड़ने का तो बिल्कुल मत सोचिए। मैं बहुत मतलब मैंने देख लिया है बहुत यूट्यूबर्स को, इतने हताश हो जाते हैं लाइफ से। और ये जो होता है ना कि कोई प्रमोट कर दे, कोई कर दे अच्छी बात है, ना कर दे तो आप खुद अपने आप को प्रमोट करिए, खुद वर्क करिए, निश्चित कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी। बस स्मार्टली वर्क करिए, मैंने हमेशा आपको बोला है, फिर से आपको एक टिप्स दे देती हूँ। आप थंबनेल पर और टाइटल पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा ध्यान देना है थंबनेल और टाइटल पर। और जो टैग होते हैं कीवर्ड, उनको भी बहुत बढ़िया डालना है, जो कि लोग जनरली सर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में डाल दिया, ठीक है। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, उसमें बताया है सब कुछ कि कैसे कीवर्ड डालने हैं, तो उस तरीके के कीवर्ड डालिए। इन तीन चीजों को लेकर के चलिए, आप जरूर सक्सेस होंगे। ऐसा नहीं है आज नहीं तो कल, महीने बाद, 2 महीने बाद पक्का आप सक्सेस होंगे। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी बनाया, कुछ भी डाल दिया। YouTube में अब ऐसा नहीं चलता है कि आपने कुछ भी बकवास बना के डाल दिया। YouTube में भी लोग बहुत समझदार हैं, कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, YouTube को नहीं छोड़ना है, अच्छे हार्डली वर्क करना है और दिल से करना है, खुशी से, कि नहीं हम होंगे सक्सेस। हम कैसे नहीं होंगे, हम होंगे। जब ये हो सकती हैं, रक्षा मैम हो सकती हैं, इतने छोटे से एरिया से, बिल्कुल घर बैठे, कुछ नहीं इनके पास था, मुझसे सीखिए, मोटिवेट हो सकते हो आप, तो हम क्यों नहीं हो सकते। आप तो मुझसे भी होशियार हो यार, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के सामने, आप तो खूब होशियार हो। तो आप लोग भी अपना काम करिए, आगे बढ़िए, आप मुझसे भी आगे जाएंगे, ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, खूब काम करना है अच्छे से, और घर बैठे लाखों रुपए कमाना है, क्योंकि यूट्यूब से बढ़िया प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता, स्पेशली हाउसवाइफ के लिए तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता इतना अच्छा। घर बैठे करना है, लाखों रुपए कमाने हैं, मैं आपको समय समय पे बताती भी रहती हूँ। बस अपना मोबाइल उठाइए, काम पे लग जाइए और वीडियो डालना शुरू करिए। और हर रोज सोचिए कुछ नया, हर रोज यूट्यूब पर सीखिए, यूट्यूब से ही आप सब सीख जाएंगे। कुछ नया करना सीखिए और कुछ हटके करना सीखिए, तभी आप यूट्यूब पर चल पाएंगे। अगर आप सिंपल सा हजारों वीडियो भी डाल देंगे तो फिर आपकी किस्मत ही है, ठीक है। किस्मत काम करती है, लेकिन वो किस्मत ही होती है जब निकल जाए। अगर बनानी है अपनी किस्मत तो आपको खुद लिखनी होगी, कुछ अलग करना होगा, कुछ हटके करना होगा, तब आपकी किस्मत आप खुद लिख पाएंगे। तो ये एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो था, क्योंकि मुझसे लोग कहते रहते हैं मैम मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो उनके लिए था कि भैया यूट्यूब छोड़ दोगे तब तो आपसे पक्का कुछ नहीं होगा, जो जिंदगी आप जी रहे हो वही जीते रहोगे जिंदगी भर। इससे अच्छा है मत छोड़िए, अपनी उम्मीद मत छोड़िए, वर्क करते रहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।